नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। 7 फरवरी सन 1968 जब चंडीगढ़ से भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान ले के लिए निकला था, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स के साथ कुछ 102 सैनिक सवार थे। इसी दौरान रोहतांग दर्रे के करीब अचानक से विमान का संपर्क टूट जाता है और फिर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद इसके टुकड़े, टूटे हुए अवशेष और दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये विमान कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। इसके टुकड़े तक भी किसी को नहीं मिले, बस बर्फ की ढकी हुई पहाड़ियों में ये कहीं गुमनाम हो गया, जिसकी खोज लगातार होती रही। साल 2007, साल 2004, साल 2013 और 19 में भी इसकी खोज की गई, यानी कई सालों तक इसको खोजा गया। विशेष अभियान भी इसको खोजने के लिए चलाया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर डोगरा स्काउट्स ने कई और अभियान भी चलाए, जिसके चलते साल 2009 और 2006 के बाद 2013 और 2019 में सर्च ऑपरेशन में 5 शव बरामद किए गए। वहीं 29 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा 13 ढाका ग्लेशियर में 56 साल बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के मलबे से 4 सैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। बता दें कि लाहौल स्पीति जिले की पहाड़ियों पर भारतीय सेना के एक अभियान में इन शवों को बरामद किया गया है और इन शहीद हुए फौजियों में मलखान सिंह इसके जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं, इसके साथ ही नारायण सिंह जो कि पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और मुंशी राम जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं और थॉमस चैरियन केरल के रहने वाले ये जो जवान हैं इनके शव मिले हैं। सेना की रेस्क्यू टीम ने इन्हें निकाला है और अब काजा के लोसर हेलीपैड से इन अवशेषों को चंडीगढ़ भेजा गया है। बता दें कि साल 1968 की प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के 35 साल बाद 2003 में सबसे पहले मनाली के पर्वतारोह संस्थान के ट्रैकर्स ने विमान को खोजा था और अब जो है 56 साल के बाद 29 सितंबर 2024 को चंद्रभागा 13 ढाका ग्लेशियर से सैनिकों के शव बरामद हुए हैं। भारतीय सेना की विशेष टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को लोसर पहुंचाया और मनाली के एक ट्रैकर का कहना है कि साल 2023 में जब उन्होंने भी ढाका ग्लेशियर ट्रैक किया था, यहां पर विमान का मलबा और कुछ फौजियों के अवशेष देखे गए थे और फोटो और वीडियो शेयर भी उन्होंने किए थे। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचने के 2 दिन का वक्त यहां पर पहुंचने में उनको लगा था। गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद यहां पर ट्रैकिंग करने वो गए थे, यहां पर आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।